इमरान सर करके उनका एक क्लब है मुस्लिम यूनाइटेड, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक मैच खिलाया पहले, बोला कि अगर तू इसमें परफॉर्म करेगा तो तुझे टेंट में रहने मिल जाएगा। वहाँ पे सोने का बहुत प्रॉब्लम है रात को, और लाइट नहीं है, टॉयलेट नहीं है, उसके बाद आपको कपड़ा भी खुद ही धोना है। तो कुछ दिन ऐसा निकलते नहीं निकलते गया, पर फिर बोलते थे खाना बना, नहीं बनाएगा तो खाना नहीं मिलेगा। मैं एक काम और करता था वहाँ पे, पानी पूरी बेचता था। दोस्तों यशस्वी जायसवाल, ये वही यशस्वी जायसवाल है जिन्होंने आईपीएल हिस्ट्री में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ 13 गेंदों में 50 जड़कर इन्होंने आईपीएल हिस्ट्री का सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है, और आज हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। ना सिर्फ इन्होंने कोलकाता के खिलाफ फास्टेस्ट आईपीएल 50 पूरी की, बल्कि 47 गेंदों में नॉट आउट 98 रन की पारी खेलकर राजस्थान को एक तरफा जीत भी दिलाई। भले ही जायसवाल ने 2 रन से अपनी सेंचुरी मिस कर दी, लेकिन अपनी टीम को जिताने पर वो खुश थे और टीम की जीत पर खुश थे, और आज इस आईपीएल टैलेंट की जमकर तारीफ हो रही है। लेकिन यशस्वी जायसवाल का आईपीएल तक पहुंचने का और इतना शानदार प्रदर्शन देने तक का सफर इतना आसान नहीं रहा, बल्कि यशस्वी जायसवाल ने काफी स्ट्रगल किया। पानी पूरी तक बेचा, 3 साल तक टेंट हाउस में रहे, जहाँ पानी नहीं था, बिजली नहीं था, खाने तक को नहीं था, वहाँ पर स्ट्रगल किया और लाइफ में खूब जद्दोजहद की। और उसके बाद आज यशस्वी जायसवाल को जब आईपीएल में खेलने का मौका मिला, तो उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया, और आज आप यशस्वी जायसवाल को देख रहे हैं, जहाँ सोशल मीडिया पर यशस्वी जायसवाल छाए हुए हैं अपने प्रदर्शन के दम पर, जहाँ विराट कोहली से लेकर बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी तारीफ कर रहे हैं। आज यशस्वी जायसवाल एक बड़ा नाम बन गया है, बल्कि एक आईपीएल स्टार बन गया है। दोस्तों ऐसे ही टैलेंट पर और इतनी इमोशनल स्टोरी पर यशस्वी जायसवाल की, जिन्होंने काफी संघर्ष किया यहां तक पहुंचने में, आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या यशस्वी जायसवाल जिसे प्लेयर को भारतीय टीम में होना चाहिए, जो आने वाला वनडे वर्ल्ड कप है उसमें उन्हें टीम में जरूर शामिल किया जाना चाहिए, क्या बीसीसीआई को उन्हें कंसिडर नहीं करना चाहिए? क्या है आपकी राय, और यशस्वी जायसवाल के सफर पर आप क्या कहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।